हेलो फ्रेंड्स, इसमें आदि द साइंस गाय। फ्रेंड्स, वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ एटम्स एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हम लोगों ने एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स के डिफरेंसेस के बारे में जाना था। इस पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि एटम्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, पीरियोडिक टेबल, उनके बेसिक टर्म्स को समझेंगे और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में भी जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एटम्स के बारे में हमने तो अच्छे से जान ही लिया था पिछली वीडियो में, और वहां पर एक रिजल्ट निकाला था कि एटम्स आर डिविजिबल, राइट। अब ये देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं एक एटम का रिप्रेजेंटेशन देख रहा हूँ, दैट इज कार्बन, और आपने बुक्स में अपनी कुछ इस तरह से बने हुए देखा होगा। कभी कभार ऐसा होता है ये 6 यहाँ पर लिखा होता है, ये कुछ पॉइंट की वैल्यू ऊपर लिखी होती है, राइट। तो अपने हिसाब से अरेंज करके देख लीजिएगा। यहाँ पर मेन थिंग है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट ही करते हैं जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, सी। ऑब्वियसली ये कार्बन को डिनोट कर रहा होगा, तो हम कार्बन को शॉर्ट फॉर्म में सी से डिनोट करते हैं। ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट को उनके शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन का H ले लेते हैं, कैल्शियम का CA ले लेते हैं, ऑक्सीजन का O ले लेते हैं, उसी वे में जहाँ पे कार्बन एलिमेंट है उसका हमने सी ले लिया। यहाँ पे जो ये 6 है ये एटॉमिक नंबर है। अभी तो फिलहाल नाम जान लेते हैं कि किस चीज को क्या कहते हैं, और फिर डिटेल में इसको और एक्सप्लेन करूंगा। ये जो नीचे लिखा हुआ है कुछ पॉइंट पे वैल्यू होती है, अभी के लिए मैं इसको एटॉमिक मास कह रहा हूँ। और अभी के लिए ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आगे बताता हूँ। तो ये तो था बेसिक रिप्रेजेंटेशन जो पीरियोडिक टेबल में हम दिखाते हैं। वापस आते हैं यहाँ पे 6 नंबर पे, जो कि एटॉमिक नंबर बताता है। और एटॉमिक नंबर से हम लोग क्या समझ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो एटम है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। तो ये जो प्रोटॉन्स का नंबर था कहाँ पे, इसमें, वो एटॉमिक नंबर बता रहा है। जैसे कि हमें पता है कि एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, और 12 आता कहाँ से, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स से। और हमें एक और बात पता है, ये मैंने ऑलरेडी अपने पिछली वीडियोस में बताया स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, जो एक प्रोटॉन का मास होता है उसको हम 1 AMU बोलते हैं, दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। और साथ ही साथ जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो एक न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, वो भी 1 AMU होगा। तो इस केस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने हैं, 6 है। एक प्रोटॉन का 1 AMU, तो 6 प्रोटॉन्स का 6 AMU, और हमें पता है एटॉमिक मास 12 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकल के आ जाएंगे कि इस कार्बन एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हुए, ऑब्वियसली ये भी 6 होंगे। तो हमें पता चल गया जो कार्बन का एटम है उसमें जो न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, और इन दोनों को मिला के हमें क्या पता चलता है, एटॉमिक मास। नाम से पता चल रहा है कि एटम का मास कितना है, उसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि ये 12.0107 इस वे में क्यों लिखा है, जब हमें पता है एटॉमिक मास 12 point something कुछ है नहीं, सिर्फ 12 है। तो इसलिए मैंने पहले कहा था कि मैं उस समय के लिए एटॉमिक मास बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में एटॉमिक मास नहीं है। इसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास, या फिर इसको आप वेटेड एवरेज भी बोल सकते हैं। तो जो आपका एवरेज एटॉमिक मास है वो कुछ नहीं, जो आपके आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम, और एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट। तो जैसे अगर मैं कार्बन की बात कर रहा हूं तो कार्बन के आइसोटोप्स जैसे हुए C12, C13, और इनका एटॉमिक नंबर 6, 6, इस वे में भी रिप्रेजेंट करते हैं कि एटॉमिक नंबर नीचे और एटॉमिक मास ऊपर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर दोनों का 6 है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो अगर मैं इन दो केसेस की बात करता हूं तो सबसे पहले 12C6 की बात करते हैं। तो इससे हमें यह पता चल रहा है एटॉमिक नंबर 6 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे। और क्योंकि इसका एटॉमिक मास 12 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली 6। यही केस इसमें अगर देखें 13C6 में, हमें पता चल रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, वो तो फिक्स ही है। बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 7। कहाँ से आया, 13 minus 6 = 7। इसलिए ये एक कार्बन का आइसोटोप है, बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ गए। तो इन आइसोटोप्स का हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज लेते हैं, और उस वेटेड एवरेज से हमारी वैल्यू निकल के आती है। जब निकाल के देखते हैं कि हमारी वैल्यू निकल के आती है कि नहीं, तो हमारे पास है C12 और C13, और जो मोस्ट ऑफ द कार्बन हमारे अर्थ में जो मिलता है वो 99% हमारा ये वाला कार्बन होता है, C12 वाला। बाकी का जो 1% है वो आपका C13 होता है। ऐसे और भी बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, बस यही दो मोस्ट स्टेबल हैं जो हम जानते हैं। तो इसका वेटेड एवरेज निकालते हैं, जैसे तो हमें पता है इसका एटॉमिक मास 12 है,
मल्टीप्लाई बाय 0.99, तो इसका 99% निकल के आ जाएगा, प्लस 13 इसका एटॉमिक मास है, और ये कितना परसेंट पाया जाता है, 0.01। तो यहाँ से निकल के आता है कि ये 11.88% हमारे अर्थ में है, और ये है हमारे पास 0.13 ऑफ द टोटल 100%। ठीक है, तो हमारे पास टोटल अगर निकल के आता है तो एटॉमिक मास आता है 0.01, जो कि हमारी ये वैल्यू है। वेटेड एवरेज के नाम से घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो आपका नॉर्मल एवरेज होता है ना, सेम उसी की तरह होता है ये, बस ये होता है कि इसमें कुछ वेट असाइन होता है, कुछ वजन असाइन होता है। यहाँ पे वजन वो है कि 90.9% हमारे धरती में पाया जाता है और ये 1% पाया जाता है, तो ये वेटिंग फैक्टर है। वेटेड एवरेज का आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, n1a1+n2a2/n1+n2। तो यही मेजर डाउट रहता है बच्चों को कि एटॉमिक मास जब 12 होता है तो ये पॉइंट पे वैल्यू क्यों दी जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक मास नहीं, ये वेटेड एवरेज एटॉमिक मास है, और जो कि डिपेंड करता है किस पे, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस पे, जो हमारे यूनिवर्स या अर्थ में जो जितना मेन सोर्स हमें जो इसमें से मिलता है उस पे डिपेंड करता है। एक और एग्जांपल जैसे हम लेते हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का वेटेड एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आइसोटोप्स उसके, और हमें इसके आइसोटोप्स पता है, राइट। आइसोटोप्स कैसे इसके क्या है, प्रोटियम जो कि 1H1 होता है रिप्रेजेंटेशन, दूसरा ड्यूटेरियम जिसका रिप्रेजेंटेशन 2H1, और तीसरा ट्रीटियम। यही तीन मोस्ट स्टेबल इसके आइसोटोप्स मिलते हैं, और ट्रीटियम का रिप्रेजेंटेशन 3H1। तो ये देख के पता चल रहा है, ये 1 क्या है इसका एटॉमिक नंबर, मींस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये ऊपर क्या है एटॉमिक मास। ध्यान रखना ये एटॉमिक मास है, और जब आप इसका वेटेड एवरेज निकालेंगे, और वेटेड निकालने के लिए क्या आपको बताना चाहिए, आपको इसका परसेंटेज ऑफ अबंडेंस कि मोस्टली किस फॉर्म में हमें हाइड्रोजन अपने अर्थ में या यूनिवर्स में मिलती है। तो इस केस में देखा जाए तो प्रोटियम जो है वो पूरी यूनिवर्स में 99.98% इतना अमाउंट में आपके मिलता है, बाकी जितना बचा हुआ परसेंट है वो ड्यूटियम और ट्रीटियम रखता है। ड्यूटियम आपका मोस्टली सी में देखा जाता है। ओके, अब आप इसका आराम से वेटेड एवरेज निकाल सकते हैं। तो इसकी एक बार समरी देख लेते हैं, हमने इसमें क्या क्या सीखा। हमने ये सीखा कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो कुछ और नहीं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है एटम में। हमने ये सीखा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाला जाता है किसी भी एटम में, अगर आपको इसका एटॉमिक मास पता है, जैसे कि अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 12 है, 12-6 is 6 योर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो सेम एज दैट ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन होता है। मास ऑफ प्रोटॉन को हम लोग 1 AMU लिखते हैं। एक्चुअल मास क्या होता है प्रोटॉन का, वो होता है 1.67×10^-24 grams। ये सब तो मैं आपको ऑलरेडी अपने पीछे वीडियो में बता चुका हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। और ये जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज एटॉमिक मास, जो कि एवरेज होता है आइसोटोप्स का, द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, एंड डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, राइट। तो ये तो पूरी बात होती है हमारे यहाँ एटम के, खत्म। अब चलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की तरफ। अब जो ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट लेवेजियर का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने जोसेफ एल प्राउस के साथ मिलकर दी थी। लेवेजियर की कहानी सुनिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने दो लॉज दिए, बहुत ही सिंपल लॉज हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसकी डेफिनेशन क्या है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, ओके, ये आपको पूरी लाइफ बहुत बार आने वाला है ये स्टेटमेंट, अगर आप अभी 9th क्लास में इसको देख रहे हैं। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे खत्म कर सकते हैं, कहाँ पे, एक केमिकल रिएक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक फ्लास्क ले लीजिए और उसमें आप पानी डाल दीजिए, दैट इज अवर H2O, वाटर जिसे कहते हैं, और इसको हीट करिए। हीट करने से पहले इसको एक कॉक से बंद कर दीजिए या ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए। तो आप हीट करेंगे क्या होगा, आपने देखा होगा कि इसकी जो ये है भाप वो निकलती है। जरा ऐसा केस लेते हैं जब ये ढक्कन नहीं लगा हुआ, तो सपोज अगर ढक्कन नहीं लगा हुआ है और पानी पड़ा था और आपने उसे हीट किया, तो यहां से क्या आपकी भाप निकल गई बाहर और ये पानी कम होने लगा। तो अगर इस फ्लास्क को हीट करने के बाद जब आप इसे वेट में, वेइंग मशीन में देखेंगे, तो सपोज अगर इनिशियली ये 10 ग्राम इस पूरे का वेट था पानी के साथ, अब हो गया 8 ग्राम वेट हीट करने के बाद, तो क्या हुआ, 2 ग्राम पानी उड़ गया। तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मास तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया, राइट, यहां से मास कम हो गया ना, तो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है, अब जरा इस केस को देखते हैं। इसमें क्या हमने ढक्कन लगा के रखा था, तब तो क्या होगा जब ये भाप यहां से निकलेगी तो निकल नहीं पाएगी ऊपर की तरफ। अब ये हमने आग हटाई और इसको वेइंग मशीन में फिर से डाला,
वेइंग मशीन आप उसको जब चेक करेंगे तो देखेंगे जब ये इनिशियली 10 ग्राम था तो ढक्कन लगा रहने के बाद भी इसका जो वेट है वो अभी भी 10 ग्राम ही है। तो एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे जो मास है वो कहीं गया ही नहीं, और ये बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है। ये बता रहा है कि कोई चीज, कोई कंपाउंड है, कोई केमिकल है, वो किसी अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वजन घट गया या उसका मास हट गया, वो दूसरे फॉर्म में बन गया, उसका मास दूसरे फॉर्म के मास में कन्वर्ट हो चुका है। ये आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। यहाँ पे मास क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी उस टाइम पे बाय लवोजियर। दूसरी चीज अब आते हैं हम लोग कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन पे। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, हमने वाटर का एग्जाम्पल लिया था। ये क्या है, आपका मॉलिक्यूल है, इसको आप कंपाउंड भी बोल सकते हो। तो लवोजियर ने दूसरे साइंटिस्ट का मिलकर ये पता किया कि आपको सपोज अगर आपके पास पानी है, एक बीकर लिया आपने, उसमें आपने पानी डाला है। तो उनका कहना यह था कि इनका जो मॉलिक्यूल है, वाटर का हर एक मॉलिक्यूल, वो सेम प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स के जोड़ से बना है। मींस हर एक मॉलिक्यूल H2O होगा। और अच्छे से एक्सप्लेन करके देखते हैं। तो H2O हमें पता है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। अब दो एटम्स यूज हो रहे हैं तो उसका मास 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, एक मॉलिक्यूल का चेक कर रहे हैं, ओके, कि एक मॉलिक्यूल किस रेशियो में आपका बॉन्डिंग है इसकी। तो ऑक्सीजन का हमें पता है 16 होता है एटॉमिक मास, तो 2:16। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1:8। तो अगर ये पूरे बीकर का सपोज जो वजन है अगर 9 ग्राम है, इस 9 ग्राम में से 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा एलिमेंट, और बाकी का जो 8 ग्राम है वो आपका ऑक्सीजन होगा। और हमेशा कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो, ओके, जो वो एलिमेंट से बन के बना है तो हमेशा वो कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में होता है। जैसे यहाँ पे कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन क्या था, 1:8। पानी हमेशा इसी रेशियो में कंबाइन होता है। दूसरे केमिकल सब्सटेंस को जैसे लेते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, अमोनिया क्या होता है, NH3। यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रोपोर्शन में। तो नाइट्रोजन का हमें एटॉमिक मास पता है 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 3 एटम्स यूज हो रहे हैं, तो 14:3 के रेशियो में अमोनिया आपका बनता है। तो अगर एयर में अमोनिया है आपका और उसका जो अगर वेट, अगर सपोज मैं मान लेता हूँ 17 ग्राम है, तो इसमें से हमें पता चल जाएगा कि 14 ग्राम आपका नाइट्रोजन होगा और बाकी का 3 ग्राम कौन होगा, हाइड्रोजन। तो इसने हमें मॉलिक्यूल्स को डिकम्पोज करके कितना कितना कौन सा पार्ट है ये बताया इस हमें लॉ ने। और ये केमिस्ट्री के, केमिकल कॉम्बिनेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉज है। ये कोई भी केमिकल रिएक्शन में अप्लाई होते हैं। लॉज ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को हम लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। तो आई गेस आपको ये दोनों लॉज समझ में आ चुके हैं। कॉन्स्टेंट ध्यान रखिएगा, हमने यूज क्यों किया है, क्योंकि बिकॉज इसी कॉन्स्टेंट पे हर मॉलिक्यूल इसका कंबाइन होता है। तो अगर आपको एक मॉलिक्यूल का रेशियो पता है तो आपके पास कितना भी वेट का हो, वही 100 ग्राम का भी होगा तो इस 100 ग्राम में भी आप बता सकते हैं कि कितना हाइड्रोजन होगा, कितना ऑक्सीजन। कैसे निकालेंगे, जैसे ये 1:8 के प्रोपोर्शन में है वाटर, तो 1/9 × 100 से आपका वेट ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, और 8/9 × 100 इससे आपका क्या आ जाएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन इस पूरे बीकर में कितना है। तो देखा आपने कितने सिंपल तरीके से आप पूरे बीकर में किस चीज का कितना प्रोपोर्शन है वो निकाल सकते हैं। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। थैंक यू।